अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अली अब्बास और मैं हूँ आज के लिए आपका दोस्त इस मॉर्निंग शो में जिसको आप लोग कहते हैं जी सहेली। अरूज अनफॉर्चुनेटली आज थोड़ी सी बीमार थी और एज़ यूजुअल मेल वर्जन बनकर मुझे उनका आना पड़ा सिर्फ आप लोगों के लिए। ए प्लस चाहता है कि आप लोगों को फ्रेश प्रोग्रामिंग मिलती रहे और वो जो जिस तरह एक कई चैनल्स पे होता है कि रिपीट पे आ जाते हैं, वो मजबूरी होती है उनकी भी, हम उस मजबूरी को अपनी तरफ से ख़त्म करने के लिए आपके लिए वापस यहाँ पर आ जाते हैं अपने स्टूडियोज़ के अंदर। आज का जो शो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए क्योंकि आज मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक दिया है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता था और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उसको विद ऑल सीरियसनेस उसको डिस्कस करें मेरे साथ आज इस शो के अंदर। हमारे पास बहुत टाइम होगा बात करने के लिए, बहुत अच्छे गेस्ट भी होंगे और उन सब के साथ हम बात करेंगे। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं टॉपिक अब तक बता नहीं रहा हूँ कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है चीटिंग। जी हाँ, चीटिंग। चीटिंग वो वाली जो एक लड़का एक लड़की के साथ करता है या शायद हमारी सोसाइटी में बहुत कम या हो सकता है बहुत ज़्यादा अंडरकवर लड़कियां लड़कों के साथ करती हैं। ये टॉपिक आज क्यों चूज़ किया गया मैंने अपने प्रोड्यूसर से पूछा तो उनके टूटे हुए दिल से मुझे ये मालूम हुआ कि शायद वो हर्ट हैं कहीं पर किसी जगह पर और मैंने उसको वॉलंटियर करने के लिए इस टॉपिक को उठा लिया है। और आज मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं तमाम जवाब लूँगा उन लोगों से जिन्होंने किसी का भी दिल तोड़ा है, किसी के साथ भी चीटिंग की है। हमारे नंबर इस वक्त टीवी स्क्रीन्स पर चल रहे हैं। अगर आप लोगों के साथ किसी ने चीटिंग की है कभी भी ज़िंदगी में और आप उसको कंडेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ आज कॉल कीजिए क्योंकि आज मौका है। इट्स टाइम कि आप लोग अपने राइट के लिए खड़े होइए और बताइए लोगों को कि यहाँ पर कितने चीटर्स हैं। अब वैसे चीटर्स पूरी दुनिया में होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन खैर मैं थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ इस मामले में। मुझे लगता है कि चीटिंग करना बहुत बुरी बात है, चीटर्स को बुरी सज़ा मिलनी चाहिए और व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड वाली जो कोट है वो उनकी लाइफ पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी का दिल किस तरह तोड़ सकते हैं ये मैं तो कम से कम नहीं समझ सकता हूँ। मुझसे आज तक कभी किसी का दिल टूटा नहीं और मैंने हमेशा दिल तोड़वाया ही है इसी वजह से, ताकि किसी को हर्ट करने के बजाय कोई मुझे हर्ट कर ले। बहुत ही इमोशनल सी बात है लेकिन ये सच्ची बात है और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस पर यकीन करते हुए आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पर हम आपको ये एक अनोखा मौका दे रहे हैं कि आप किसी भी चीटर को कंडेम करें, कॉल करके अपना गलत नाम बता दीजिए, कोई बात नहीं। आपको वैसे डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आपके साथ किसी ने चीटिंग की तो डरना उसको चाहिए। अगर आपने किसी के साथ चीटिंग की है तो वो भी आप बता सकते हैं, हम आपको पकड़ तो सकते नहीं है लेकिन मशवरा ज़रूर देंगे। समझ लीजिए कि मैं आज आपको उन तमाम चीटिंग्स के ऊपर मशवरा दूंगा और अपने जितने भी मेरे गेस्ट यहाँ पर आएंगे उन लोगों से भी मशवरा लेके दूंगा। एक्सपर्ट ओपिनियन आपको मिलेगा आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। फॉर अ चेंज जी सहेली थोड़ा सा उस तरफ को जा रहा है जहाँ पर शायद हमारी सोसाइटी में उसको टैबू समझा जाता है, कहा जाता है और हम लोग ओपनली उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन अगेन हम चीटिंग तो करते ही हैं और अगर हम चीटिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, ऐसी कौन सी हिस्स है इंसान के अंदर जो उसे चीट करने पर मजबूर करती है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और चीटर के साथ क्या होना चाहिए, उसको सज़ा क्या मिलनी चाहिए, मिल सकती है नहीं मिल सकती है, ये सारी चीज़ें हम आज जी सहेली के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा मसालेदार जी सहेली हो रहा है। मसालेदार से वैसे मुझे बार बार अपने गेस्ट भी याद आ जाते हैं क्योंकि मेरे आज के तमाम गेस्ट जो लाइनअप हुए हैं वो तमाम के तमाम मसालेदार हैं और उनके पास शोबिज़ मसाला भी है, म्यूज़िक मसाला भी है एंड पेट मसाला भी है, पेट मसाला। मैं इन सारी बातों को आप लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लिनेशन अपना अब सोसाइटी की उन चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पर आप लोग जिनको हम आमतौर पर डिस्कस नहीं करते। खैर ये तो एक हो गया ओपनिंग मोनोलॉग आप लोगों के लिए, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप लोग प्लीज़ वापस आइए ताकि हम लोग खुल के इस बात को डिस्कस कर सकें अपने गेस्ट के साथ भी और ऑब्वियसली उनके करियर्स के बारे में भी जो वो बात करना चाह रहे हैं उसके बारे में भी। कॉल करते रहिएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। सी यू आफ्टर द ब्रेक।